बात करते हैं शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अगर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। इसी साल होंगे 15% तबादले, ग्रह जिले में मिलेगी तैनाती। तो यहाँ पर शिक्षकों के इसी साल तबादले करने की बात करी गई है और इनकी होम डिस्ट्रिक्ट में हमें जो है तैनाती देने की बात भी करी है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है विभागों की मांग पर जो है मुख्य सचिव की बैठक में तबादला कोटा यहाँ पर जो है बढ़ाने पर सहमति बनी हुई है। शिक्षा विभाग की नई नियमावली तबादला एक्ट का यहाँ पर होगा हिस्सा। तो यहाँ पर देखते नई नियमावली है तबादला एक्ट, उस पर यहाँ पे काम करने वाले हैं। और सैनिक और अर्धसैनिक की जो यहाँ पर शिक्षक का पत्नी को यहाँ पे मिलेगा तबादले पर छूट, यहाँ पे इनको तबादले पर छूट मिलने वाली है। और 10 जून तक यहाँ पर जो है सभी विभागों में तबादले, तो 10 जून तक सभी विभागों में तबादले करने की बात भी कही गई है। और वहीं यहाँ पर पुरानी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाकर यहाँ पर मास्टर ट्रेनरों को यहाँ पर किया प्रशिक्षण, तो यहाँ पर देखते कि प्रशिक्षित कर रखा है। पुरानी उत्तर पुस्तिका दिखाकर तो उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट निकालने को लेकर यहाँ बताया गया है कि अब मूल्यांकन में जो है यहाँ पर जो परीक्षणों को यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसमें यहाँ बताया गया 29 जो मूल्यांकन केंद्र है उस पर यहाँ पर 58 जो परीक्षकों हैं उनको बुलाया गया है। और यहाँ पर बताया गया 15 से लेकर 29 अप्रैल तक यहाँ पर जो है इनका मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और मूल्यांकन का जो यहाँ पर पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग, तो यहाँ पर देख सकते जो उनका मानदेय होता है 20 पे मांग करने की बात करी है, तो यहाँ पर इनका बढ़ सकता है 25 पे, यहाँ पर इनका दिया जा सकता है। इंटर में हाई स्कूल में यहाँ पर 20 पे दिया जा सकता है। बात करेंगे यहाँ पर शिक्षकों की तबादला नीति पर भी यहाँ पर जो है मुहर, तो यहाँ पर हरियाणा की तर्ज पर यहाँ पता यार की शिक्षा विभाग की तबादला नीति, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि गुरुवार को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। और वहीं यहाँ पर पदोन्नति में यहाँ पर स्थिरीकरण का लाभ दे सरकार, तो यहाँ पर पदोन्नति में स्थिरीकरण का लाभ देने की मांग करी है। और वहीं बात करें यहाँ पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक, कई महत्वपूर्ण बिंदु पर जो सहमति, तो कई महत्वपूर्ण बिंदु पर सहमति हो चुकी है। उत्तराखंड में इस साल भी यहाँ जो है 15% ही तबादले, तो 15% तबादले यहाँ पर होने हैं। और दिव्यांग के 60% ट्रांसफर पर सहमति, तो दिव्यांग कैटेगरी में सभी के ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। शिक्षकों की तबादले नीति पर यहाँ मुहर लग चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूलों के खिलाफ यहाँ पर यूजीटी का यहाँ पर कार्रवाई को जो है अल्टीमेट, तो यहाँ पर यूकेडी की प्रमुख मांग है स्कूलों के लिए, जिस मामले को यहाँ पर देखते हैं। और स्कूल में जो है मनमानी फीस है, ट्यूशन फीस लेकर है और किताबों को लेकर सबके अन्य को देखते हैं, यहाँ पर यूकेडी ने मांग की है। और पुराने पेंशन बहाली को लेकर 16 को जो है संवैधानिक मार्च, तो यहाँ पर 16 को संवैधानिक मार्च करने वाले हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है, तो यहाँ पर एनटीए ने यहाँ पर जो है यूजीसी नेट दिसंबर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार सभी अपना यहाँ पर जो परिणाम है इसकी जो आधिकारिक ऑफिशियल साइट है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अपनी आवेदन संख्या और डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पर अपना जो यहाँ पर रिजल्ट है चेक कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर, तो यहाँ पर देखते हैं कि सरकार ने जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज में 171 स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति यहाँ पर दे दी है। तो यहाँ पर 171 स्थायी नियुक्ति प्रदान कर दी है असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर। इसके लिए यहाँ पर जो इस संबंध में सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो यहाँ पर हैं सचिव आर राजेश, उनके द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं, जिसमें श्रीनगर और अल्मोड़ा में 60-60 और जबकि यहाँ पर 10 असिस्टेंट प्रोफेसर दून और में तैनात कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें मेडिकल कॉलेजों में टेक्नीशियन के 302 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, तो उत्तराखंड में अब यहाँ पर 302 पदों पर भर्ती हो जाएगी। इसकी नियुक्ति के लेकर यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जो है चिकित्सा चयन बोर्ड ने यहाँ पर जारी किया परीक्षा की आंसर की, तो परीक्षा की आंसर की हो चुकी है जारी और इसका भर्ती का साफ हो जाएगा क्लियर 302 पदों पर। बात करें यहाँ पर पटवारी लेखपाल भर्ती की शारीरिक परीक्षा 25 से, पटवारी लेखपाल की भर्ती का जो यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन होना है वो अब आपका 25 तारीख से कर दिया गया है। और इसमें आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके मानक जो है 24 अप्रैल से लोक सेवा आयोग में अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश जो है पत्र शुरू कर दिए गए हैं, तो प्रवेश पत्र आप किसी हो जगह डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी ऑप्शन साइट वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर कैबिनेट बैठक 18 अप्रैल को होगी, तो यहाँ पर राज्य कैबिनेट की बैठक 18 को सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में यहाँ पर होगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री पुरुष सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में कई विभागों के संबंध में कई अहम महत्वपूर्ण यहाँ पर जो प्रस्ताव लाए जाने की उम्मीद है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर लाए जा सकते हैं, इस प्रस्ताव में बताया गया है। अंबेडकर जयंती पर भी यहाँ जो है दी शुभकामनाएं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह जो
यहाँ पर उत्तराखंड की मुख्यमंत्री इन्होंने यहाँ जो है अम्बेडकर जयंती की यहाँ पर प्रदेश शुभकामनाएं भी दी हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट है इसमें जो कारागार विभाग के अंतर्गत बंदी निरीक्षक की आपका यहाँ पर पूर्व निर्धारित किया गया था उसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं जिस जिसका यहाँ पर चेंजेस हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर पहले आपकी निर्धारित तिथि यहाँ पर ये थी आपकी, तो ये आप चेंज कर दी गई है। बंदी निरीक्षक का फिजिकल का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बंदी निरीक्षक फिजिकल पूरा का पूरा आपका चेंजेस कर दिया गया है। 23 तारीख का 15 को है, 30 वाले का 16 को है, मई में ठीक है, ये अप्रैल है, 14 मई को 17 वाले हैं ठीक है। ऐसे यहाँ पर इनका देखते हैं इस जगह पर जिसका भी है चेक कर सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर अपलोड कर देगा आयोग की साइड से। बात करते हैं आज के जॉब अलर्ट को लेकर, तो जॉब अलर्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टीएमसी में कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, 45 पद है इसमें, और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नर्स ए आदि पदों की वैकेंसीज है। इसके लिए यहाँ पर अधिकतम आयु 27, 30, 35 ऐसे वर्ष रखे गए हैं और उम्मीदवार यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय के यहाँ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी डिग्री ये होना चाहिए। और अभ्यर्थी का चयन आपका 19,900 से स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी जो कि 78,000 तक आपका जाने वाला है। लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा, स्किल टेस्ट भी आपका रहेगा और 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 23 अप्रैल तक आवेदन करने के लिए बोला गया हुआ है। आवेदन शुल्क 300 रुपये का है, वेबसाइट हम जारी कर यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप देखते हैं बामर लॉरी एंड कंपनी, यहाँ पर 27 पदों पर मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है, 32 से 47 मतलब 37 से 47 तक आवेदन कर सकते हैं इसमें। और इसके लिए यहाँ पर आपके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग MBA CA ये होना चाहिए। और चयनित अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट प्रक्रिया किया जाएगा, उसका लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा, तब जाके चयन होगा। और 40,000 से लेकर आपका यहाँ 2,20,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। 21 तारीख इसकी अंतिम तिथि है, तो 21 तारीख से पहले पहले आपको यहाँ पर आवेदन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ऑनलाइन यहाँ पर ये वेबसाइट है इसका जारी किया गया है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं BCE CEB यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया है 10,101 पदों पर, तो काफ़ी बेहतरीन पोस्ट निकाली गई है 10,000 पदों पर। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण कानून को व अन्य पदों के लिए पोस्ट निकाली गई हैं। चयनित उम्मीदवारों को यहाँ पर 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी जो कि यहाँ पर 59,000 तक का प्रति माह वेतन मिल सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी के पास यहाँ पर विश्वविद्यालय ऐसे स्नातक होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा अन्य योग्यताएं रखी गई हैं। और इसके लिए यहाँ पर चयन करके आपका CBT के माध्यम से यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। CBT में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज यहाँ पर जांचे जाएंगे और उसके बाद से आपका चयन कर दिया जाएगा कि मेरिट बिना की आपकी CBT की जो एग्जामिनेशन होगी। और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 12 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है, 800 रुपये का शुल्क रहेगा। वेबसाइट आप जारी किया गया, काफ़ी अच्छी बेहतरीन पोस्ट है, 10,000 से ज़्यादा पोस्ट आपकी निकाली गई है इन पदों पर। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट निकाली गई भारतीय अंतर्देशीय जो जल मार्ग प्राधिकरण है, 22 मई तक कर सकता है आवेदन। टाटा मूलभूत संसाधन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है 28 अप्रैल तक का। और साथ में यहाँ पर राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान यहाँ पर भी पोस्ट निकाली गई है 8 मई तक, इन पर भी ट्रैक कर सकते हैं।